क्या औरत अपना कुकिंग चैनल या वीलॉग वगैरह बना सकती है जिसमें फेस वगैरह नहीं आ रहा और सिर्फ आवाज़ हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस किस्म के सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं। लोग जो खवातीन हैं वो घर पे बैठी हैं, वो चाहती हैं उनके चैनल आए, उनके कुकिंग चैनल हो या कुछ टीचिंग चैनल हो या कुछ भी हो। बिल्कुल आप सब कुछ कर सकती हैं, जस्ट एक जो कंडीशन होती हैं उसके दायरे में रखें। एक खवातीन किसी किस्म का भी चैनल खोल सकती हैं, सिर्फ उसकी कंडीशन ये है कि आपके जो हाथ हैं ट्राई टू मिनिमाइज दैट। मिनिमाइज का मतलब होता है कम से कम कैमरे के सामने आए हैं। नंबर दो, ये ग्लव्स पहनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हाथ से ऊपर अगर कैमरा जा रहा है तो ये भी चीज़ जायज़ नहीं है, और चेहरा तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और आवाज़ है, आवाज़ को भी आपकी कैसी होनी चाहिए, एक सिंपल और सादा होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ के ज़रिए अट्रैक्शन पैदा हो रही है गैर महरम में, आप गैर महरम बार बार आपके चैनल के ऊपर आ रहे हैं बार बार आपका चैनल देखने के लिए कि इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, इसकी आवाज़ सुनते हैं। सो दैट बेसिकली आवाज़ में भी अट्रैक्शन होती है औरत की कि वो एक गैर महरम को अट्रैक्ट कर सकता है। तो मेक इट सिंपल, चैनल बनाएं, खाने का चैनल बनाएं, जिस तरह मर्जी चैनल बनाएं, लेकिन एक सिंपल सादा सी टॉक दें उसमें, ताकि लोग आपके चैनल से अट्रैक्ट आपकी वजह से ना हो, आपकी जो कंटेंट वगैरह हैं उसकी वजह से अट्रैक्शन हो। अब जो 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 खवातीन हैं मुसलमान इंडिया पाकिस्तान वगैरह में मुसलमान हैं, लेकिन वो पूरा मेकअप करके कैमरे के आगे आती हैं, तो वो ये भी पूछते हैं कि क्या इस किस्म की जो रिज़्क आता है क्या ये हलाल है हराम है? ये डेफिनेटली हराम है, बिकॉज कोई ऐसा ही रिज़्क जो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ वो कर कमाया गया हो वो जायज़ ही नहीं। डेफिनेटली इट्स सो नेचुरल। तो क्योंकि कुरान की सूरत नूर की आयत नंबर 31-32 में फरमाया गया है कि जो गैर महरम को देखो नज़रें झुका लो। अब ये जो औरतें मेकअप करके आ रही हैं, लिपस्टिक लगा के आ रही हैं, आईब्रो बना के आ रही हैं, फिर क्या होता है कि निकाह पहने का एक तरीका बता रही होते हैं। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग ऑल दिस, बिकॉज एवरी थिंग दिस इज फॉल्स इन टू द कैटेगरी ऑफ फॉरबिडन। ये तो इस्लामी चीज़ें जायज़ है नहीं बिल्कुल भी, कुरान से लगा लें या हदीस से लगा लें बिल्कुल भी करना जायज़ नहीं है। तो जो अपने चैनल चला रही उनकी चैनल की जो कमाई है ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, हराम कमाई है। बेशक वो काम हलाल है, ठीक है, लेकिन जो काम हलाल लेकिन हराम तरीके से उसको कर रहे हैं। आप समझे कि एक दुकानदारी है, दुकानदारी में एक सारी चीज़ों को आप बेच सकते हैं एक हलाल तरीके से, लेकिन अगर आप चीज़ में मिलावट करके अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ करके अगर बेचेंगे वही रिज़क आपका हराम हो जाएगा। तो जिन लोगों को शौक़ है अपना चैनल बनाने का, कुकिंग चैनल हो या जिस तरह मर्जी का चैनल हो, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि सिर्फ आपका चेहरा नज़र ना आए, उसके हाथों से ऊपर नज़र ना आए, आपकी आवाज़ में अट्रैक्शन ना हो। ट्राई टू मेक इट सिंपल एज पॉसिबल, ताकि कैमरा जो है आपका जो मेन पर्पस है उसकी तरफ लो। जो जो कुरान की तालीमात वगैरह दे रही हैं उनके लिए ये है कि अपने चेहरे को पूरा कवर रखें सिवाय सिर्फ आँखों के। अब आँखों के जो बहुत निकाब है, निकाब भी फैशन वाला उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। जब समझे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का निकाब है, कुछ खवातीन उनका निकाब है, वो आईब्रो से ऊपर जा रहे थे, यहाँ शीर होता है यहाँ तक आ रहा है, सो वो तो निकाब कहाँ रह गया? अगर समझे कि ये चीज़ कवर है, मैं आपको अपना चेहरा दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ कवर हो रही है? आईब्रो भी नज़र आ रहे, सब कुछ नज़र आ रहे थे, नाक भी नज़र आ रहे, तो वो निकाब कहाँ है? निकाब होता है, सो दिस इज़ अ निकाब। आपकी आँखें यहाँ तक होनी चाहिए, एक यहाँ तक इतनी आँखें निकाल चाहिए। आप दीन की तालीम करें, कैसी मर्जी चलें, आप कारी हैं दीन की तालीम दें, कुरान की तालीम दें, दिस इज़ टोटली इजाज़त है, लेकिन आप एक हद से गुजर रहे हैं, वही चीज़ आप हलाल से शुरू होती है लेकिन हराम की तरफ ले जाती है। सो ट्राई टू सी द लिमिटेशन, देन यू आर एबल टू डू व्हाटएवर यू वांट ऑन योर चैनल।